रंगारंग प्रोग्राम चला हुआ है। भाई पवन भैया ने सभी कलाकारों के बारे में बताया, तो अब फिर आपके सामने आपके बीच में आने का नंबर पड़ा है एक दो बात का, तो आप बड़े अच्छे श्रोता सुबह से शांति बनाए हुए, इसी तरह से शांति बनाए रखेंगे ये आशा उम्मीद है। हाँ कोई भाई अख्यों जन छप्पन हो जब दूसरा की नफरी पद जागरे, ऊट मरणिया की ईसा न हो के वह नफरी पद जार को किसी की इज्जत का गाक हो, वह भी अच्छी बात नहीं है। वो हो जाए असल में, ये चुटकले सारे भाई सुना रहे हैं अपने आप बन जाते हैं। वो एक भाई दारू पीवा था बच्चा, नशे बत्ती हो गए और या चीज इसी से के जिसके भीतर चली था किसान सुकड़ा मानस हो वो छाती तान के खड़ा हो गया। तू बच्चा पीवा था नशे बत्ती हो गए और नशे में वह बोतल का हाथ जाला गया उसका, और वह बोतल पड़गी तो वह बोतल पड़ी तो वह दारू खिंडी ना तो वह पैक जड़ में एक मूसे का बिल था उसमें चली गई, और वह दो एक घूट मूसे के भीतर चली गई। बस के बात थी मूसे भीतर जाते हैं और मूसा तो सरदड़ी भरना आया, हर बार नहान के बिलते पछले दोनों पंजे पर खड़ा होकर अगले नन्नू मूछे पर के मारे, हर एक बिल्ली बैठी देखे पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो इसने पकड़ ले, और वो डाकी उसका नाम मंड रहने को रहने। एक दूसरी बिल्ली आई वह देख के न्यूके लगी एक के बात है शकार श्याम ही खड़ा पन्ना पकड़े तोड़ दी हटकी नाड़ ले वह पल्ली तक निवार की देखे दिना उसने, बोली के बात है पकड़े श्याम ही खड़ा तो पल्ली बिल्ली ने बोली ना बेबे मैं कोई ना पकड़ती डेढ़ दारू पी रहा मन में नहीं इज्जत का गाक हो जाए। तो भाई कोई साक है किसी की इज्जत का गाक ना है। हाँ के में जाओ ले जाओ और इसको कत्ल कर दो जंगल के अंदर ले जाकर। तो जब कत्ल करने का नाम सुना तो रूपी जादवान आ जाते हैं और ये कहते हैं महाराज इसको कत्ल का हुक्म मिला है ये क्या खोट किया इसने, निवलर है इस बेईमान ने तो ऐसा खोट कराया, भाई मुझे बताते हुए भी लज्जा आती है क्या किया महाराज कि मैंने इसको इसकी मौसी के पास महल में दर्शन करने के लिए भेजा था और इस बेईमान ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। कौन कहता है कि मेरी रानी कहती है कि नहीं महाराज रानी झूठ भी तो बोल सकती है, कमाल आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया एक रानी की बात मान के इकलौते पुत्र का शीश काटने के लिए तैयार हो गए, आज सारी दुनिया जानती है कि आपका लड़का पूर्णमल गुरु गोरखनाथ की कृपा से जती है। निवलेरा दुख इस बात का है रूपेशा कि आज तक जो भी मिला वो ये कहता रहा कि आपका लड़का जती है, पर मेरा ईब लग गया भाई इसने छोटू को ना कत्ल तो मैं करवाऊंगा और जगह मान के छोड़ दू इसको कि इकलौता पुत्र है तो ये पर्दा मेरे को क्या थूकेगी। और एक बात के द्वारा ने बोला ले मैं बताता हूं जती कैसे होते हैं, जती नहीं है भाई कैसे, एक बात के द्वारा क्या कहते हैं राजा क्या बता बता
बोलिया रे कर के दया छोड़ दूं सुने को देते हैं एक डिब्बी है सिगरेट की, इनको बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद मारी दया छाप से ये पंडित जी ने रंग सुनाया, बहुत बढ़िया रंग सुनाया जी साहब। मारता सुना जाएगा, हम सुनावांगे, पर इससे पहले एक चुटकला सुनाया। ठीक कह रहे थे भाई, कोई इज्जत का गाहक बन गया, मार का घूट बेरा कड़ा हाथ ला जा, नशे का बेरा भी तो नहीं होता ना, किस बड़ाओ से सूर सराव से बैनाम देना हो से के करना हो से। ये जो रागनी है ये कृष्ण सुदामा के इतिहास की बात के यार दोस्त होया करते। एक वह यार दोस्त थे जो अपने यार के ऊपर सब के मत निछावर करे कृष्ण भगवान ने, और एक आजकल के यार हैं इसे यार से बस इसे का घर आके मो होता। और भाई क्या हाल है, वो सुदामा अपने यार उस कृष्ण जी के पास मदद लेने के लिए गया तो द्वार का पोडो डिवान रोक लेता उस सुदामा को। न्यू कह लगा कि रुकिए महाराज रुकिए, कहाँ जाओगे? बोला भाई जाना किस है, मेरे यार उस कृष्ण जी से मिलना है। जब अपने आप को अपना
कृष्ण जी यार बताया तो उस दो दीवान का रूंगटे खड़े हो गए। अकरे इतने फटे पुराने हाल का यो ब्राह्मण और अपने आप न कृष्ण भगवान का यार बताओ से सैकम राज। नौका लगा के ब्राह्मण आप आड़े रुको, मैं पूछ के आता हूँ भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से, कि आपसे मिलना है कि नहीं मिलना। श्री कृष्ण भगवान राज गद्दी पे विराजमान और वो दो दीवान हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। नौका लगा के महाराज बोले हाँ भाई, बोले आप तो कोई सुदामा नाम का व्यक्ति मिलना चाहता है और इसके साथ साथ वो अपने आप को आपका बचपन का साथी बताओ से। नौका लगा कर दो दीवान तैरगे तैरगे कड़ा नशे बैठा रहा तो बोला नहीं महाराज, बोला और के कह है, बोला बात सुन लो। एक बात के द्वारा वो दो दीवान उस सुदामा का हवाला देता है और किस तरह के कह लगा वाला वो ये टूटे मित्र ते वस्त्र हो सुदामा नाम बता और कहया भी के भाई ने बताया वो एक में चुटकले में से जो बनाते हैं उनका दिमाग बस इसी तरफ चलता है, बनाने वाला कोई भी मौका मिल जाए वहीं पर चुटकला बना लेता है। वो भाभी पीछे ही आपने महाभारत का सीरियल देखा था, उसमें चुटकला बना दिया। वो कैसे कि पांडव बाहर से कोई भी चीज ले आ करते हैं शिकार खेल के या लड़ाई करके जीत के, तो अपनी माँ से कहा करते कि माँ हम ये चीज ले आए हैं, तो वह कुंती ने कह दिया करती बेटे पांचों भाई बांट लो आपस में, तो बंटवारा कर लेते थे। और इसी तरह से जब द्रौपदी को सुरेंद्र में जीत के ले आए पांडव, तो बार तबाद लगाई माँ अखा बेटा कि हम एक चीज लाए हमारा बंटवारा कर दो। फिर द्रौपदी ने दबो ये बात, वो कुंती की दबाए बात अंदर से फिर आवाज लगाई बेटा बांट लो,
वापस में लखाई बे बेगमानत के दी बाट लो लगाई एक भाई हम पांच बीमारी जाग गया दे। बोले चलो कोई बात नहीं भाई, मान कह दिया तो फैसला तो करना पड़ेगा, बंटवारा तो करना पड़ेगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम पांच भाई। बोले हाँ, ये धर्मपुत्र ने उसके ला जा के भाई हो गया बंटवारा, 3 दिन तक तीनों बद्दा के। बोला ठीक ठीक सब भाई। अरे बोला भाई नकुल से देव छोटे हैं, 2-2 दिन इनके हो गया फैसला। अठेरी बना दी सहदेव खड़ा हुआ जब भाई। बोला भाई के फैसला करा रहे? बोला भाई हो गया 3 दिन मारे, 2-2 दिन थारे, तुम छोटे हो। सहदेव आप जोड़ करने बोला सुन ले रहे भाई धर्म पुत्र अगा। बोला जनता दे दियो तो एक पर लूंगा भीम तो पहले। रागनी देसी है, इनमें थोड़ा थोड़ा छोंक सा डाला जाता बहुत जरूरी है। क्यों ये पंडित जी भीम से पहले लेंगे। ठीक सब भाई दादा थारी मर्जी, तुम किससे तो पहले लो। वो एक मैं ईसा सूत बैठा, यो मेरा चुटकला नंबर 2 होगा। एक तो पहला बताया था मैंने थर ती थारे ध्यान में होगा। ना बूंदा नहीं कहूं दादा, चिंता ना करे। तो रागनी धार्मिक चल रही, कृष्ण सुदामा का जकरा हो रहा, भगवान के जकर आ रे। बूंदे बात कैसे कहा भीम तो पहले लेन लाग रे। हम न्यू खा लिए वो बोले पार्वती जान लाग रे आसमान में गए। जान लाग रे घूमते देखते, जान लाग रे दुनिया ने कैसे क्या कर रहे हैं। चलते गए जंगला का निकल गए। जब देखा वहां पे के देखा पार्वती ने फौजिया के टेंट नजर आ गए। नो कह लगी कि नाथ एक चीज बताओगे? आखा पूछ पार्वती, पूछ के पूछना चाह रही है। मैं नो पूछना चाह रही हूं कि ये आदमी कौन है, ये टेंट कैसे हैं,
बोला ये अपने देश के रक्षक हैं, ये फौजी हैं। बोला फिर के ये अपने देश की रक्षा करते हैं, जवान हैं। बोला मिल लूंगी। बोला ना, ये चुंदड़ी के भी खराब हो हैं, नहीं मिलना। बोला ना मिल लूंगी, यही इतने दिन आ रहा, क्यों कर रहे जा आप मेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकते। बोला नहीं नहीं, इनकी आदत है, ये आदत पड़ रही है, इनसे नहीं मिलना। बोला ना मिल लूंगी। बोला मिल लेता, तू जुम्मेवार होगी। बोला ऐसे नहीं मिलूंगी मैं। बोला और? बोला मैं अपनी माया से कोई और रूप धारण करके जाऊंगी। बोला ठीक है, तेरी मर्जी। ये माया से बिल्ली बन गई पार्वती, अरे एक फौजी के टेंट में कून में जा खड़ी है, टमक टमक लखा हुआ। इतने हार में फौजी आदमी दो ड्यूटी देखा है, और आते उनका काम क्यों हारताड़ का, उनका मगड़ होया कर मुरादाबादी, और सफेद सफेद देखा होगा ना मगड़, ठाडा ठोकन है, गचड़ गचड़ पी गए दोनों। और पीते रे, एक फौजी की नजर उस बिल्ली पे गई। बोले त्री पेपे को बिल्ली रही कट्ठी हुई पार्वती का हाल ये तेरे का ले पे। एक फौजी ने कह लगा बे यार बिल्ली है छोट। बोले ना पकड़ो साड़ी में। फिर पाछे नट्टी पार्वती, फिर एक फौजी ने ला नहीं यार छोड़ बिल्ली है। बोला ना साड़ी ने पकड़ो और कम ना करांगे तो आंगली तक तो ट्राई करांगे। देखो भाई चलो ठीक है, वाते इतनी इज्जत के गाक मत होइयो। एक छोटा और सुना देते, उसके बाद फिर अगली रागनी में नंबर पड़ेगा, उसके बाद नहीं। ये मेरे भाई सुनील सुना रहे थे, मैंने उधर ही फौजी भाइया ने खाम का बदनाम मत करे यार, ये तो बड़े सज्जन है भाई, इतना है तो सही, एक एक साल में डेढ़ डेढ़ साल में छुट्टी आऊं भाई, इतनी बड़ी बात है और कुछ नहीं। अच्छे होते हैं ये, वो खाम का बदनाम वो कर रखेंगे अपने। वो एक सॉरी महेश नवाबा गाल में, महेश नवाबा तो के बात हुई, एक पुलिस वाला आ गया बावर्दी, तुम्हार अपनी मां ने रुका मार के बोली ए मां अके है, एक पुलिस वाला बावर्दी लाए, बोली बेटी भीतर ना आ जा, इनका कुछ ना भरोसा ही, इसने जाने दे जब नवा लिए। वो पुलिस वाला भाई चला गया,
वहां फिर आ लकड़ के मैं सुनवाण लग गई। थोड़ी बार में क्या होया, एक फौजी भाई बिस्तरा कंधे पर रहा और अपने खटक खटक गाल में चल लावन लग रहा। उन्हें फिर रुका मारा, हे मां हक हां हकीब का एक फौजी आवा है तो उसकी मां ने उकल लग गई है बेटी, हिब का तू तू नहीं, हिब का महेश ने भी पिथर लिया। Hey!
राजू तिलकड़ी रहती अर्जुतिया की पहचान आया करती तो बोला भाई फवाने की से तो साल और आजकल तो वह बात तक कोई ना भाई यारी यारी की जगह पतराला पड़ेगा गाल में अपनी छात पग कोई ना लकड़ दे लोगों का भाई के उतरने दो ना। तो इस तरह भाई था थोड़ा हा एबी और टाइप का बात भी थी थोड़ी ही सही कमल जवान अवस्था में भाई ने बेरा नहीं किसका जने तारी पी का कड़ा लोट गया है। देख ले भाई जनु मंडी का खाकड़ है बाबी। हाँ देवर आज तू दे दे सुनो एक एक बात के दो मीनिंग है। मन्ने कहा आग बाबी आज तू मने दे दे देखे देवर हाँ तू छोटा हा था हाँ जब देने लगी थी मैं तेरे से अरे तू बड़ा भी हो गया तने देरा तेरा भाई की सन्ना कट्ठू है चोरी छप्पे तो ये एरी तो तेरे तक हूँ ना मैं चोरी छप्पे तो दे हूँ ना तो देखे तेरे भाई ना नू बेरा लाग जाना आके मेरे तो लुकमा जोर जोर के अपने देवर ना पैसे देवर है तना आशा कर करेगा आज का करती तू छोटे ने दिया करती तू बड़े ने देख देख जब तेरे ते एक के बाद का जवाब दे दिया क्यों मेरा तू तो राम का मिल जाए तू तो मेरा छोटा देवर रहेगा और कती नू दोया मान जा देवर है दूध सा और के मना बने देवर तू फिर यो के लकोरी तू आ रही इतनी डूंगे फल्ले का बांध लिया करती रपिए जब जाए रहे ना बेरा लाग जाएगा तो के पल्ले के बंद रहे पीछे बाबी दे दे मैं खोल के दे दिया करती ई मना आज देख कने हिसाब किताब है इसके भाई का दारू छक्के पी रहा था 100 का नोट काट कने और अड़ोसिया में टांग गया था उड़े भी नजर चली गई जाए रहे की देख एरी बाबी आड़े थे मेरी नजर कद देते थी पर एक बात बताऊं तब वो नोट इसी जगह टांग गया से जाड़े तोड़ के मैं टांग ले सुख नहीं हो जाए इतने देखे देवर हाँ तने शर्माना चाहिए कितना बेगर गया तू इन लुहाड़े में रह रहा है दे रहा है अरे मेरी बात सुन ले तू मेरा थप्पड़ से दो और माले पर दे दे अरे सुन ले ओ देवर तू तो बताऊं हूं देवर तू कर माले ने के देखा बचरा ने तू जब देखी को चतरा देख लिया सोना नोट तेरा Thank you.
कोट पहर के थोपी कौन सी चीज तेरा मन मोगी पेटी कोट पहर के थोपी जिसने भी करवाना हो इस फोटो के फोटो स्टूडियो के ऊपर चले जाना, बढ़िया फोटो उतार के देगा आपने। एक बात बताऊं बाबे, तो इससे तो फोटो ना तरवा लिए क्या थे? यो शकल तो मैंने बहन चोद ला गया मारे प्यार प्रेम के रोले हैं। हाँ, कदे खा बगा कदे सोरे दनुआ मान जाओ रे। इसका ना है यो स्टूडियो तो रखी है कि मरा आगरा है अपना है। ठीक है तो फिर तू है बढ़िया रे भाई। Thank you.
बाबा भूपेंद्र गिरी जी महाराज मतलो धन्यवासी इस जोड़ी ने देख के आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद महाराज जी एक बार खड़े होकर आशीर्वाद देगा और कोई सी राख की चोटी दे जाए मेरी गिल्ला बैठ कर चलेगा। ना जी महाराज जी असली ना बनाओ, असली ना बनाओ, आप नतीशे बड़ खा लिए दोनों नाक खा गई हो ना, असली ना बनाओ। दो तीन बड़का की माया से दो तीन बड़का का बाबू मैं जुए का दा लखमा कह दे है। और ये सतेज का रोला निकलना प्रहू तो देख देवर भाभी हां कदे लोग लुगाई बन जा हां कदे कदे लोट भी जा हां। क्यों नहीं तो दगा के देव तू कर क्यों नहीं तो दगा इब कह दे तू दगा धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अक्षर भाइयों से इस मिल गया ले लिया, एक बार रणबीर गला ले लूंगी क्या बात है, बाकी पार्टी पूरा स्वाद देगा इसी हमारी गारंटी है। हर जगह किसी के भीतर में स्वाद नहीं होगा उसका दंता का बड़ा भी है आज गारंटी है इस बात की। तो भाई ये दोनों भाई उपरा तली हुए, मैंने वो उधारा इन भाइयों से, भाई एक थोड़ी मजबूरी है रात का प्रोग्राम में वाणी है ना, तो ये ऊपर थोड़ी हम खूब हुए हैं इसी बात नहीं है, और फिर भी इनके मैं कहने के बाद ये भाई जो टेम हो अगर ऊपर थोड़ी का वो टेम हो होता और मारा भी डाल गया है एक रागनी ऊपर थोड़ी की एक चलती ही जिसे माहौल चाल रहा है बात हो वह बात बन गया था अगवा छोरी बात इतनी ठीक ठाक थी वह अपने ये दो देख कर वो काम बन गया, वह पांच चार दिन सासरा डट कर उल्टी आ गई अपने घर और उसकी मां ने कल लगी बेटी धार काट ला वह काट लाई, दूसरे दिन फिर उसकी मां कल लगी बेटी धार काट ला वह काट लाई, तीसरा दिन फिर कह लगी बेटी धार काट लिया छोरी हटी ठाक नाटगी न बोली मां को ना काट के लाती न बोली ये दो दिन हो लिए काटती ना आज के बिजली पड़ गई काट ला आ को ना काट के लाऊं के बात एक सच्ची बताऊं मां आखा बोले जब महस पाव से है ना मैं
बोले मैं वो महेश पाव से ना जब थन मोटे मोटे हो मेरा लत्ते का ढनजी करा तो भाई थरे यो चाव बनेंदे यो मजबूरी थी उसके बावजूद भी एक रागनी है जिद्दा साली की एक नोक जोक है और किस तरह से मका जीजा जी राम राम अरे राम राम न्यू मत बोले तू इतनी मीठी क्यों की बात असल में भाई यो जिद्दा सबद ईसा हो से बजी सा जा कोई कह के देख लो कहते जी सा जा क्यों भाई कह के देखिए एक बार हाँ तो क्या चाहे है तो मैं न्यू कहूँ के जीजा जी देखे ठंडा ठंडा मौसम है अच्छा और इतने दिन में तू आया है अच्छा और मतरी इकलौती साड़ी हूँ लाडली सी गणी लाडली मैं न्यू तड़की चार बजे उठा करू अच्छा चार बजे उठा करा गोबर कूड़ा करूँ पानी पूनी ले आऊं देखे मैं जल्दी मर जाऊं अच्छा और थोड़ा पल्ला ठाकर मैंने जंगा दे दिए मैं पैते पा करूंगी पल्ला ठाके क्या कहा रजाई का तुमने थोड़ी जगह दे दो हाँ पात आते करेगी तो देख ले सोच ले सोच ली पल्ला एक बार उठ गया फिर पापा मैं कोने तन बता बोलिए क्या कहना चाहो बोलिए बताइए ले सुन ले जीजा जी के मन तेरी हो जाई मैं हाँ भाई इस तो पहले तेरा पड़न जी कर क्या क्या बड़े देने जीजा जी मन तेरी हो रजाई मैं बड़े देने जीजा जी मन तेरी हो रजाई मैं भागेगी जब करूं खचाई मन तेरी हो रजाई मैं जवानी हो
गई है। और के? देख ले बचार कर ले, जवानी मेरी भी क्यों हो गया, हाथी के बाप खान के और हो आगरा, खान के और हो आगरा। पार्टी के नाम के देते बार बार धन्यवाद किया जाता, धन्यवाद और भी भाई और दुनियादारी दुनिया दारी, मैं और
किसे नवरू नहीं मैं तो हूं दासी थारी